चलिए जी, तो वी वर डूइंग अबाउट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट थॉमस हंट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. ही वर्कड ऑन, ही इज कॉल्ड एज, ये भी लिख लेना कहीं पे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. He worked on sex-linked genes. Present on X chromosomes of Drosophila. भव्य ड्रोसोफिला को क्या बोलते हैं बेटा commonly? हाउस फ्लाई, जंगल फ्लाई, क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी मयंक, हाँ भव्य बोल. अर्नब ने देखा आंसर ठीक दिया क्योंकि वो पढ़ के आया. इट्स कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई. वेरी गुड, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई. ठीक है जी, तो उसने क्या देखा कि मेल फीमेल्स, मेल्स थे, फीमेल्स थी येलो बॉडी एंड वाइट आइड, दोनों रिसेसिव करेक्टर थे. या हम थोड़ा सा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे थे, एक्स वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू और एक्स वाई डब्ल्यू और ये भी एक्स क्रोमोसोम पे वाई डब्ल्यू. और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू वाई, दिस इज ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड. These are mean, दोनों करेक्टर जो है वो डोमिनेंट. ये चीज थी, इसको क्रॉस किया तो हमारे पास ऑल मेल्स एंड फीमेल्स आर यू नो नहीं आई सॉरी यहाँ पे अगर क्रॉस बनाओगे तो पहले चलो गैमीट्स बना लो. ये गैमीट्स क्या थे? X, small y, small w. यहाँ पे दो टाइप के गैमीट्स मिले, X, capital Y, W, and Y. जब इसको क्रॉस किया X, Y, W, X, small y, W, means wild type. इसको हम सिंपल कहें This is wild, wild female, heterozygous है. और इसको किया तो yellow bodied, white eyed males. जब इनकी इंटरब्रीडिंग की, ये मैं दोबारा से जो हमने कल एक्सपेरिमेंट किया था दोबारा से, मैंने वो अब क्रोमोसोम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं. इन दोनों को जब हमने क्रॉस किया तो इसके आगे गैमेट्स, मेल गैमेट्स कौन पहले, फीमेल गैमेट्स जो थे वो कौन से बने? दो टाइप के फीमेल गैमेट्स बने, एक एक्स कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू और इधर से आया एक्स वाई डब्ल्यू.
ठीक है, और मेल यहाँ पे मेल कौन से बने, ये भी दो, एक्स वाई डब्ल्यू एंड वाई, ठीक है। तो हमें वाई डब्ल्यू एक्स स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ये हो गए ब्राउन आई ब्राउन बॉडी रेड आईड फीमेल। अगर ये करें दिस इज येलो बॉडी वाइट आईड फीमेल। उसके बाद जब इसको किया तो आप ये जीनोटाइप खुद लिखना, दैट इज वाइल्ड मेल, और जब इसको किया तो येलो एंड वाइट मेल, ठीक है। तो बट यहां पे दो ही कॉम्बिनेशन फिलहाल है, ब्राउन आइड रेड आइड, येलो बॉडी एंड वाइट आइड, बट along with they get 1.37% brown eyed and यहाँ पे n लिख लिया ना, brown eyed and sorry मैं दोबारा से गड़बड़ कर देती हूँ, brown bodied and white eyed progeny plus yellow bodied red eyed progeny। दोबारा से मेरी बात सुनो, हमने पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन क्या लिए थे, मेल और फीमेल छोड़ दो, हमने लिए थे ब्राउन आइड रेड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, येलो बॉडीड व्हाइट टाइप। ये जो चारों थे ये क्या थे, पेरेंटल टाइप, जिसमें ब्राउन बॉडी रेड आइड येलो बॉडी व्हाइट आइड ये ऑफस्प्रिंग थे। बट F2 जनरेशन में इनके साथ साथ हमें ये रिकॉम्बिनेंट्स भी मिले, F2 जनरेशन 98% जितने भी परसेंट बचे 1.37 को छोड़कर जितने बचे, तो 1.37 ही था, कितना था कल मैंने बताया था ना, हाँ जी अर्शप्रीत 1.3 था, 1.3 था, 7 नहीं था, 98.7 दूसरा था। अच्छा चलो 1.3% जो थे वो रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का क्या मतलब है, ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आइड, नहीं तो यहाँ पे क्या था, ब्राउन बॉडी रेड आइड, बट यहाँ पे ब्राउन के साथ वाइट आइड और येलो के साथ रेड आइड भी आए, बट बहुत थोड़ी प्रोजेनी आई 1.3%। तो इसका क्या मतलब, अगर 50-50 होते, मतलब 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट, तो हम ये कहते कि ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं है करैक्टर, एक एक्स क्रोमोसोम पे है, एक कहीं और करैक्टर है। बट क्योंकि हमने क्या देखा कि ये करैक्टर ब्राउन के साथ रेड एंड येलो के साथ वाइट, ये मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स में यही कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों करेक्टर साथ में रहते हैं। बट फिर हमने देखा कि नहीं, कुछ में फर्क है, बट किसी में जो रिकॉम्बिनेंट है वो बहुत थोड़े है, इसका मतलब है तो ये एक ही क्रोमोसोम पे है, बट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन सम सेल्स देयर अकर्स फ्यू रिकॉम्बिनेशन, इज इट ओके और नॉट, समझ में आई सबको, हाँ जी बाकी भी बोलो, अर्नब का पता चल गया मुझे, एवरीबडी एल्स, अर्शप्रीत, भव्य, हरगुन, मयंक, शिवांशी, वेरी गुड हरगुन, गुड गुड, अर्शप्रीत आपको समझ आया? मैम जो आपने फर्स्ट क्रॉस किया मुझे वो समझ नहीं आई, ये वाला, यस मैम, नीचे से।
क्या नहीं, इसमें क्या नहीं समझ आया, इन ये दो गैमीट्स बना लो और इसका एक गैमीट, मेल का सॉरी फीमेल का एक का एक का गैमीट, और फिर क्रॉसिंग की तो ये आ गया। इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया आपको? जो लास्ट में एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल है, एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है। ओके मैम आ गया समझ। ठीक है जी, तो ये इसी तरह से, तो इसका मतलब है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स बहुत थोड़े हैं, 1.3% कुछ भी नहीं है, इट मींस द जीन फॉर बॉडी कलर एंड आई कलर दे आर क्लोजली लिंक्ड, दे आर टाइटली लिंक्ड। तो लिख लो इसके नीचे, लिख लेना जहां पर भी आपने अपनी कॉपी में वो बनाए हैं। ठीक है, तो और एक और हम काम कर सकते हैं कि इसको भी एक बार दोबारा से बना लो ताकि क्रोमोसोम्स लेके भी आपको पता चल जाए। ठीक है, बट लिख लो नीचे, खाली जगह छोड़ के बना लेना ये, बट जगह छोड़ो और फिर लिखो कि इन द अबव क्रॉस, इन द अबव क्रॉस कॉमा इन एफ टू जेनरेशन 98.7% प्रोजेनी इज पेरेंटल एंड ओनली 1.3% progeny is recombinant. Let me repeat that though. In the above cross, comma, in F2 generation, 98.7% progeny, 98.7% progeny is parental. And only 1.3% progeny, and only 1.3% progeny is recombinant. Which shows that the genes for body color and eye color are very closely placed on sex chromosomes. Mom, genes for se repeat kar do. Genes for body color and eye color are present on sex chromosomes and are placed very close to each other. Therefore, these two genes are tightly linked. As compared to the genes for body color and wing size, as compared to the genes for body color and wing size. As compared to the body color and size of wings. As compared to the body color and size of the wings. Full stop. The genes for body color and size of the wings
are also present on the X chromosome but are distantly placed. But are distantly placed and thus have low strength of linkage. ठीक है जी, तो पहले आप ये बनाओ, फिर मैं उसका भी क्रॉस बना के आपको बताती हूँ. M does have low. ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मेरी बात सुनो. हो गया बेटा यहाँ तक, हो गया शिवांशी? चलिए क्या, अब आपको, अब मिनिएचर विंग्स एंड नॉर्मल विंग्स. मिनिएचर विंग्स जो है दैट इज यू नो रिसेसिव करेक्टर, नॉर्मल विंग्स इज डोमिनेंट करेक्टर. ठीक, तो ठीक है, सो दिस इज एफ वन जेनरेशन. उसके बाद हमने क्या लिखना है, इंटरब्रीडिंग ऑफ एफ वन. इससे क्या हुआ, अब मैं कुछ नहीं करना, पेरेंटल टाइप्स एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स. पेरेंटल टाइप कौन से है, दैट इज ब्राउन बॉडीड विद नॉर्मल विंग्स, और दूसरा पेरेंटल टाइप क्या है, येलो बॉडीड विद वेस्टिजियल विंग्स या मिनिएचर विंग्स आप कह सकते. हाँ जी, कितनी हुई बेटा जल्दी से बताओ, क्या 13.7 मैंने रिकॉम्बिनेंट बताए थे, 37. कितने थे बच्चे, यहाँ लिखा तो हुआ था, जल्दी से बोलो. 1.2. तो इसमें से 100 में से 37.2 कम कर दो, 72.8. तो दीज आर 72.8% प्रोजेनी, और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स ब्राउन बॉडी विद मिनिएचर विंग्स एंड येलो बॉडी विद नॉर्मल वेल. ये थे 37.2% रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. सो इट मींस ये जो दो जीन्स है ये बहुत दूर दूर पड़ी हुई है, इसलिए इनमें बहुत सारी क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक, लिखो फटाफट से, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ.
ये बेटा 62% आंसर, नॉट 72, 62%। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन लिखना। इन प्लांट लेथायरस ओडोरेटस, ब्लू फ्लावर कलर इज डोमिनेंट ओवर रेड फ्लावर कलर, लॉन्ग पोलन डोमिनेंट ओवर राउंड पोलन, डाया हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन, सबसे पहले बीबी एल एल ये तो एफ वन जेनरेशन होगी, ऑल प्लांट्स विद ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग फ्लावर। फिर आ जाइए सेकेंड स्टेप है सेल्फिंग ऑफ एफ वन, ये हो गए। रिजल्ट ऑफ एफ टू, टोटल सीड्स ऑब्टेन्ड अबाउट 2000, ठीक है, जर्मिनेट करवाया, टू थाउजेंड प्लांट्स तकरीबन इसमें 750 जो थे वो क्या थे, दैट इज ब्लू फ्लावर्स लॉन्ग पोलन, टू हंड्रेड फाइव जो थे दैट इज रेड फ्लावर्स लॉन्ग पोलन, तकरीबन 400 के करीब थे ब्लू फ्लावर्स एंड राउंड पोलन, देख लो बाकी कितने बचे जरा देखना, 750, 400, 205। कितने बच गए बेटा 2000 में से, के करीब।
रेड फ्लावर्स राउंड पोल मैम 6:45 है 6:45 आएगा यस मैम ठीक है 6:45 करें राउंड रेड फ्लावर्स राउंड पोल ये हमें रिजल्ट मिला इन एफ टू जेनरेशन ठीक है अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स दूसरा बताना है कैलकुलेट या हम कहेंगे टेल द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कि क्या लिंकेज 0% है क्या टाइटली लिंक्ड जीन्स है या दे आर यू नो इनकम्प्लीटली वेरी डिस्टेंटली प्लेस्ड ये आपने मुझे बताना ठीक है जी ये डाटा मैंने आपको दे दी जल्दी से तो ये आ जाएगा पेरेंटल अर्नब ये क्या है बेटा रेड एंड लॉन्ग पेरेंटल के रिकॉम्बिनेंट जल्दी से अर्नब रिकॉम्बिनेंट अर्शप्रीत का आया वैसे चलो अर्नब ये बताओ बेटा दिस इज रिकॉम्बिनेंट शिवांशी ये बताओ बेटा ये क्या है 64.5 पेरेंटल की रिकॉम्बिनेंट मैम पेरेंटल पेरेंटल तो टोटल पेरेंटल कितने हो गए हैं आप देखो 750 एंड 645 1395 तकरीबन हम मतलब अगर हमने होल फिगर निकालनी हो तो हम इसको 1400 के करीब ले लेंगे तो मिस की परसेंटेज 69.75 आ रही थी 1395 की चलो देखते हैं बेटा 1400 ओवर 2000 इन 200 तकरीबन 69.9% आ जाएगी इजंट इट क्योंकि हमने थोड़े से ज्यादा कर लिए थे मतलब पांच एक ऑर्गेनिज्म हमने ज्यादा ले लिए थे तो तकरीबन हाँ जी जो पहले की थी मैम 69.75 आई थी 1395 के साथ 139 मैम जो मैंने अब आपने 1400 की है ना मैंने ये वाली की थी 1395 की 69.75 आई थी अच्छा ऐसे कर लो तो पेरेंटल टाइप तो फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज ऑफ पेरेंटल इट इज 69.75 और इसी से ही पता चल जाएगा रिकॉम्बिनेंट कितने 100 में से माइनस कर दो 70 इट इज 30.25% तो क्योंकि 30% रिकॉम्बिनेशन है काफी हाई नंबर है सो द जीन्स फॉर हम क्या कहेंगे जीन्स फॉर फ्लावर कलर एंड साइज ऑफ पोलन शोज इनकम्प्लीट लिंकेज और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की अगर हम बात करें तो लो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इट इज लो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ठीक है जी मैम हाँ जी बेटा
मैम मुझे वो रेशो का नहीं समझ आया कि जो आपने उसे जैसे करा है राउंड, जो मैंने राउंड पर ले, मैं बताती हूँ बेटा रेशियो मैंने ना एक कुछ नहीं, आप इस तरह से करके देख लो, बट इस तरह से निकालनी मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने क्या कर लिया, चलो आप ये कर लो 6, 750, 200 थोड़ा सा 650, इसको 5 से जो है अब डिवाइड, मतलब हमने सिंपल रेशियो निकालनी है ना, 5 × 1 तकरीबन अगर हम कहें तो ये रेशो आ गई, हमने और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया था राइट, तो हमने लेटर से इसको 14 कर लिया, 12 कर लिया, तो मेरा ना सिंपल सी रेशो है ना, हमने क्योंकि ऑर्गेनिज्म थोड़े से ऊपर नीचे कर लिए थे, ठीक है, अदरवाइज रेशो ये आ जाएगी 12:4:8:13। मैम मैंने बस ये पूछना था कि सपोज 13 को हम 12 या 14 कर ले, 6 या 7 आए तो फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं नहीं वो ज्यादा नहीं, वो आपको जब ऑप्शंस लोगे ना, ये अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कौन सी ऑप्शन सबसे ज्यादा ठीक बनती है। ओके यस मैम ठीक है जी, चलिए सो दिस इज अबाउट, नेक्स्ट आ जाता है बेटा अल्फ्रेड स्ट्रुटवेंट, नाम नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेना, अल्फ्रेड ALFREDE, अल्फ्रेड स्ट्रुटवेंट STRUVENT, अल्फ्रेड स्ट्रुटवेंट, द स्टूडेंट ऑफ, कॉमा करके द स्टूडेंट ऑफ PH Morgan, आपको बताइए। ओके मैम, अल्फ्रेड स्ट्रुटवेंट, स्टूडेंट ऑफ PH Morgan, यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स between gene pairs, मतलब जैसे B और L में है, ठीक है, on the same chromosome, as the measure of distance between genes, हमने कहा है जितनी ज्यादा percentage of recombination होगी उतना ज्यादा genes का difference होगा, ठीक है। Second point कर लीजिए, he made genetic maps, और हम इनको और क्या क्या देते हैं, लिंकेज मैप्स, दैट इज क्या है ये, द लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम based on
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेशन, ये मैं अभी बताती हूँ क्या मतलब है। बट मैं ये क्या कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे पहले जेनेटिक मैप्स किसने बनाए या जेनेटिक मैप्स का कंसेप्ट किसने दिया था, तो इट वॉज अल्फ्रेड स्टूटेलेंट। ये मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको तो आपको समझ में आएगा। लेट अस से क्रोमोसोम हैज जीन ए बी एंड डी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी 25%। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी इज 12%। एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड डी इज 37%। What is the sequence of genes? आप कर भी सकते हैं। हमने ये A से शुरू किया और B, ये कितनी डिस्टेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी है 25%, तो ये डिस्टेंस हो गया 25 मैप यूनिट। उसके बाद है डी, डी ए और डी के बीच में फ्रीक्वेंसी है 12%, तो डी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। बट अगर डी यहां पर होगा तो डी और बी में 25 से कम जो है वो डिस्टेंस रह जाएगा, जबकि बी और डी में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए डी कहां पे होगा, ये होगा। सो इट इज 12 मैप यूनिट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी 25 एंड 12, दैट इज 37 मैप यूनिट्स। देयरफॉर सीक्वेंस क्या हुआ, इट इज डी ए डी या बी ए डी, एक ही बात है। सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज डी ए डी। ठीक है जी, तो पहला यहां पे लिख लो जेनेटिक मैप्स वर फर्स्ट ड्रॉन इन ड्रोसोफिला बट नाउ दीज आर यूज्ड for the sequencing of whole genome of the organisms। मैम whole के आगे बोलना, whole genome of the organism, full stop करके, it was extensively used in case of human genome sequencing project. तो बहुत सारे ह्यूमन जीनोम में कौन से क्रोमोसोम्स पे कौन सी जीन्स है
कितनी क्लोज है, कितनी दूर है, ये काफी सारा सीक्वेंस हो चुका है या मैक्सिमम हमका ये सीक्वेंस हो चुका है, ठीक है। तो जेनेटिक मैप्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, इज इट ओके? ठीक है, हम एक दो जेनेटिक मैप्स और कर लें। तो अब आ जाइए, क्रोमोसोम हैज 5 जीन। अ क्रोमोसोम हैज 5 जीन, कौन सी? ए बी सी डी एंड ई। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी 5%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी 17%। बी एंड सी इट इज 15%। एक मिनट, लेट मी चेक। It is 12%. Then recombination frequency between B and D 2%, C and D 10%, A and E again 10%, C and E 22%. Draw the sequence of G. जल्दी से सेवनटीन या तो यहां पे आए या यहां पे आए। अगर इस साइड आएगा 17, लेट अस से ए सी ये 17, तो बी और सी 17 से ज्यादा होना चाहिए, बट ये तो है नहीं, तो इसका मतलब सी यहां पे आए। ये तो सारा हो गया, सारा में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12, तो दिस इज 12। उसके बाद बी एंड डी एंड सी एंड डी, सी ये गड़बड़ है, अच्छा नहीं ये भी ठीक है, बी एंड डी, डी ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 10, isn't it? Yes, ma'am. A and E 10, C and E मतलब 12 और 10 20, sequence क्या हो गया E A B D C, is it okay?
जल्दी से क्या, अगर किसी को नहीं समझ तो मुझे बताओ। मैम जो डी है वो दूसरी साइड भी जा सकता है। डी अगर हम बी के इधर करेंगे, लेट अस से बी डी के बारे में ना, अगर टू इधर कर लेंगे तो सी और डी कितना आ जाएगा, 12 और 2 14, 14 आना चाहिए। ओके ठीक है ना, ये ठीक है जी। तो दिस इज क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक हमने पहले किया था प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी हमने किया था व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज प्लियोट्रॉपी। और उसके ऑपोजिट अब क्या आ गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हेन मोर देन टू जीन या व्हेन मोर देन वन जीन कंट्रोल सेम कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो polygenic inheritance also called as quantitative inheritance. जो Mendelian inheritance थी इट इज मोनोजेनिक, एक जीन एक करैक्टर कंट्रोल करती है, मोनोजेनिक एंड क्वालिटेटिव। मोनोजेनिक मीन वन जीन कंट्रोल्स वन करैक्टर, क्वालिटेटिव मीन डोमिनेंट या रिसेसिवली। क्या क्वालिटी है एलील की, डोमिनेंट एलील है तो इट यू नो हम कहते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील साथ आ गई तो डोमिनेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज क्वालिटेटिव। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस when more than one gene controls the same character, in same way, इसका क्या मतलब है, it is the number of dominant alleles of various genes which contribute in the character. क्योंकि नंबर कितनी डोमिनेंट है इस पे डिपेंड करता है, ना कि कौन सी डोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल स्किन कलर इन ह्यूमंस, कंट्रोल्ड बाय three genes and six alleles, teen genes A, B and C,
ये तीन एलील्स है और इसकी हर एक की दो दो एलील्स होंगी, थ्री जीन्स है, हर एक की दो दो एलील्स होंगी तो सिक्स एलील्स हो जाएंगे. तो ईच डोमिनेंट एलील, एलील की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स सेम अमाउंट ऑफ मेनी. देयरफॉर टाइप्स ऑफ फीनोटाइप्स कौन कौन से होंगे, ये देखिए. ये क्या है, इसमें डोमिनेंट एलील्स कितनी है, सिक्स की सिक्स डोमिनेंट है. तो इट विल बी नीग्रो, जो फिनोटाइप होगा वो नीग्रो होगा. उसके बाद कोई सी पांच एलील्स डोमिनेंट हो, एनी फाइव एलील्स, तो इट इज डार्क ब्लैक. जो फिनोटाइप है वो डार्क ब्लैक होगा. और कितनी एलील्स डोमिनेंट है, फाइव. अगर कोई सी चार, अब मैं जीनोटाइप नहीं लिखूंगी, एनी फोर डोमिनेंट देन इट इज ब्लैक. एनी थ्री डोमिनेंट, कोई सी थ्री, इट इज मुलेटो, जो हमारे मेनली कलर्स है, व्हीटिश. देन any two dominant brown, any one dominant light brown, or कोई भी dominant नहीं है, zero dominant, then it is albino. तो ये हमारे phenotypes है. It does not depend on the genotype, but it depends on the, you know, type of या number of dominant allele. कितनी alleles dominant है, कौन सी dominant है ये नहीं, but कितनी alleles dominant है ये इस पे depend करता है कि phenotype क्या है. That's why it is called as quantitative inheritance. Is it okay? ठीक है, आज हम यहाँ तक करेंगे. कल मैं इनसे questions करवाऊंगी genetic maps पे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे और बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे, और फिर हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस करेंगे. ठीक है, पहले ये करो जल्दी से. मैम. हाँ जी मैम, जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझा रहे थे, नेटवर्क खराब हो गया था मेरा, दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब एक से ज्यादा जीन्स जो है वो किसी करेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है, और उन जीन्स की कितनी डोमिनेंट एलील्स है वो कंट्रोल करती है कि वो कितना. आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ वेरियस जीन्स विच कंट्रोल ए करेक्टर. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर, अगर तीन जीन्स है और छह की छह एलील्स डोमिनेंट है तो बहुत सारा मेलेनिन होगा, फिनोटाइप क्या होगा, नीग्रो होगा. अगर कोई सी पांच एलील्स डोमिनेंट होंगी देन phenotype will be dark black, बहुत ज्यादा काला. और उसके बाद कोई से चार alleles dominant होंगी तो then it is black. Any three dominant mulattoes, mulattoes means whitish color. Any two dominant alleles then brown. Any one dominant, कोई सी एक dominant हो, बहुत थोड़ा melanin बनेगा, light brown. और कोई भी अगर allele dominant नहीं हुई तो melanin बनेगा ही नहीं, albinos होंगे. Is it okay, Arshpreet? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये नोट कर लो. टुमारो सेम टाइम, इज इट ओके, टुमारो सेम टाइम वी विल डू मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड वी विल डू फर्दर, यू नो, अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके ओके मैम.